देखिए, 4 तारीख को तो हमने देख लिया, सुन लिया, दामाद के लिए वोट मांगे तो परिवारवाद तो उनके मुद्दे से गायब हो गया। अब नवादा आ रहे हैं तो भाषण देने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग रिएक्शन देंगे। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बताएगा जनता उनको, सब हवाई में रह जाएंगे। बाकी है ना, जनता इंतजार कर रहा है, 2 करोड़ का रोजगार इंतजार कर रहा है, 5 लाख का अपने खाते में इंतजार कर रहा है, तो जनता को जवाब दें क्या क्या किया। अब मेरे लालू की बेटियां मिलकर जबरदस्त हमला बोल रही हैं सरकार पर। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। पीएम मोदी फिर से एक बार बिहार में है। जी हाँ, बिहार वो पहुंच गए हैं और मंच पे हालांकि थोड़ी देर कर दी है उन्होंने आने में। और इधर दूसरी तरफ जो बेटियां हैं लालू यादव की, घर से निकली हैं चुनाव प्रचार को। दरअसल मीसा भारती जो पाटलिपुत्रा से टाल ठोक रही है एक बार फिर से राम कृपाल यादव के खिलाफ, तो दूसरी तरफ सारण में रोहिणी आचार्य जो दूसरी बेटी हैं रोहिणी आचार्य, वो राजीव प्रताप रूड़ी के खिलाफ मैदान में हैं। और दोनों बेटियां जमकर पसीना बहा रही हैं मैदान में। तो पीएम मोदी जब बिहार में हैं तो वैसे में भला पीछे कहाँ रहने वाली थी मीसा भारती या फिर रोहिणी आचार्य। दोनों ने हमला बोल दिया पीएम मोदी पर। देखिए, आज एनडीए की लहर है बिहार में। देखिए, 4 तारीख को तो हमने देख लिया, सुन लिया, दामाद के लिए वोट मांगे तो परिवारवाद तो उनके मुद्दे से गायब हो गया। अब नवादा आ रहे हैं तो भाषण देने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग रिएक्शन देंगे। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ कि आपके माध्यम के द्वारा बिहार की जनता को और देश की जनता को कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आप देखिए कि इंडिया गठबंधन के पास बहुत सारे मुद्दे, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम रोजगार सृजन करने की बात कर रहे हैं, 30 लाख रोजगार सृजन करेंगे हम, किसानों की MSP लागू करेंगे, उनकी आय डबल करेंगे, महिलाओं के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिस तरह से महंगाई है उनकी शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। अब ये देश बहुत अच्छे तरीके से देख रही है, देश की जनता, और मुझे लगता है कि इस बार मोदी जी की विदाई तय है। 10 सवाल तेजस्वी यादव ने भी पूछे हैं प्रधानमंत्री से, ईडी CBI IT रोजगार को लेकर के जवाब दें आके बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा चुनाव के समय मोदी जी आते हैं, चुनावी भाषण देते हैं, उसके बाद मोदी जी बिहार को भूल जाते हैं। हर एक 5 साल में मोदी जी का आगमन होता है और बिहार के लिए, बिहार के अधिकार के लिए, बिहार के बेरोजगार नौजवानों के लिए आखिर मोदी जी क्या करते हैं। 10 साल 2 बार मौका दे चुकी है देश की जनता ने, क्या बिहार को उन्होंने दिया है? कोई कल कारखाने यहाँ पे लगवाए हैं? पलायन क्या रुका है? तो ये प्रश्न जनता आज पूछ रही है। परिवारवाद का जाएगा आप लोग पे लगता है, किस तरीके से जवाब देंगे? क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स? देखिए, हमें जवाब नहीं देना है, मोदी जी खुद ही जवाब दे दिए जमुई में 4 तारीख को, दामाद के लिए वोट मांग रहे थे। और आज भी जो जा रहे हैं ना, वो परिवारवाद के लिए ही वोट मांगने जा रहे हैं नवादा में। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पाटलिपुत्रा में, क्योंकि हम लोग मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। अब जनता इन लोगों को देख चुकी है, समझ चुकी है। हाँ, तो जाके जनता के बीच में घूमे ना, पता चलेगा उनको, कोई टक्कर में नहीं है। बताएगा जनता उनको, सब हवाई में रह जाएंगे। पीएम मोदी फिर आ रहे हैं आज दूसरी नवादा में, सभा को संबोधित करेंगे मैम, तो उसमें हम क्या करें? परिवार वाले जाएंगे, बेटा बेटी दामाद सब जाएगा, लोग उनका इंतजार करेगा, परिवारी लोग। लालू प्रसाद यादव पर वारंट निकला है मैम। कौन सा वारंट निकला? ग्वालियर में MPML कोर्ट, इसका मुझे जानकारी नहीं है। 10 साल का जिक्र फिर से हो रहा है कि 10 सालों में हमने जो कार्य किया है, किसने? ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। प्रधानमंत्री बोले हैं, हाँ पिक्चर बाकी है ना, जनता इंतजार कर रहा है, 2 करोड़ का रोजगार इंतजार कर रहा है, 5 लाख का अपने खाते में इंतजार कर रहा है, तो जनता को जवाब दें क्या क्या किया। अब मेरे सारण में तो चाय पीने के लिए चीनी फैक्ट्री लगाने वाले थे, इंतजार कर रहा है जनता, उनको चाय पिलाएगी इस बार बहुत बढ़िया, चाय का दुकान बंद हो जाएगा। आप सिंपैथी वोट गेन कर रही हैं, इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। सिंपैथी वोट हम क्यों गेन करने जाएंगे? पूरा दुनिया मेरा कायल है,
इस आदर्श बेटी को कौन नहीं चाहता है बाप अपने कि मेरी बेटी रोहिणी आचार्या जैसी हो। सिंपैथी तो ये बैठकर रोने लगते हैं, बेटी को गाली देने में इनको शर्म नहीं आती है, बेटी बहन को गाली देते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। लोगों का प्यार मिल रहा है आपको, कितना लोगों का आइए ना आप देखिए। सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि सिक्योरिटी का आपने मिस यूज किया है। हाँ, मिस यूज ना 5 तारीख को समस्तीपुर में मिस यूज है, वो चलाइए ना आप लोग, तब हम जाने। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रही है मीसा भारती या फिर रोहिणी आचार्या। मीसा भारती भी आक्रामक हैं और रोहिणी आचार्या भी आक्रामक अंदाज दिखा रही हैं और कह रही हैं कि पीएम मोदी तो सारण में चीनी की फैक्ट्री लगाने वाले थे, चाय पीने वाले थे, लेकिन उनकी चाय की दुकान बंद हो जाएगी। तो हमला जबरदस्त है, सियासी मैदान सजा हुआ है, आज पीएम मोदी मैदान में है तो तेजस्वी भी बगहा जाएंगे और बगहा में वहां कई सारे कैंडिडेट का ऐलान भी कर सकते हैं, जैसा कि सामने आ रहा है कि वाल्मीकि नगर के कैंडिडेट का ऐलान वो मन से ही करेंगे। ऐसी स्थिति में मैदान पूरी तरह सज गया है, लालू की दोनों बेटियां मैदान में हैं, पाटलिपुत्रा और सारण, बीच में गंगा नदी है और आर और पार बेटियां हैं, दोनों तरफ से पीएम मोदी को घेर रही हैं, केंद्र सरकार को घेर रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, वैसी स्थिति में जीत कर दिल्ली जाना है। तो जो हमला है जबरदस्त है और लालू की बेटियों का डबल अटैक हुआ है पीएम मोदी पर। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।